हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब नवरात्रि पास आने वाली है तो मैंने सोचा कि नवरात्रि के लिए आपके साथ व्रत की कोई रेसिपी शेयर की जाए। व्रत में अक्सर आप कुछ कुछ बनाते रहते हैं, इस बार मैंने कुछ अलग सा रेसिपी सोचा है। मैंने सोचा है व्रत के सैंडविच। सुनने में मज़ेदार लग रहा है ना कि सैंडविच, वो भी व्रत में कैसे। आइए देखते हैं व्रत के सैंडविच कैसे बनते हैं। तो इसे बनाने के लिए क्या करा, मैंने एक पैन ले लिया। पैन में जो है हमने यहाँ पे पानी ले लिया है, पानी यहाँ पे जो है 1.5 कप पानी लिया। अब इसमें जो है हमने डाल दिया घी 2 टीस्पून के करीब, 1 टीस्पून जीरा जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डाल दिया 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून सेंधा नमक। साथ में मैं क्या करूँगी, सामा चावल जो होता है, जो व्रत वाले चावल होते हैं, इसमें जब बॉयल आ जाए तो उस चावल का जो है मैंने क्या करा, पीस कर पाउडर तैयार कर लिया। तो सामा चावल का आटा हो गया, ये हमने डाल दिया है। पहले 1 कप डाला और उसके बाद इसे हम मिक्स करेंगे जेंटली। यहाँ पे आपको फ्लेम को कर देना है लो, बहुत ही लो फ्लेम पर आप इसे मिक्स करें ताकि लंप ना बने। तो यहाँ पे जो है मैं करीबन जो है 1 से 1.5 कप के करीब वो आटा डाल रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से जो है डालकर मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद थोड़े से जो है सब्जियाँ डालूंगी। सब्जियों में मैंने जो है थोड़ी सी ग्रेट करके अदरक और हरी मिर्च इसमें ऐड कर दिया है। तो देखिए अदरक और हरी मिर्च आपको इसमें ऐड कर देना है और इसके बाद जो है आपको इसको मिक्स कर लेना है। हरी मिर्च और अदरक से जो है इसमें अच्छा टेस्ट आ जाएगा, थोड़ा सा स्पाइसी भी हो जाएगा और अदरक जिंजर का टेस्ट तो वैसे भी अच्छा होता है, खाने को फ्लेवरफुल बना देता है। तो अब क्या करना है, इसको मिक्स करते हुए आपको तब तक पकाना है जब तक ये पैन ना छोड़ने लग जाए। इसको पैन छोड़ने तक आपको पकाना है। बहुत ही ज़्यादा ईजी है, मुश्किल से मुश्किल आपको इसको बनाने में 15 से 20 मिनट लगेगा। अब जो है क्या करना है, यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू थे, 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू थे, जिनको क्या करा मैंने मैश कर लिया छिलके हटाकर, उसको भी आपको इसमें ऐड कर देना है। ऐड करके इसको भी चलाते हुए पका लीजिए और अब देखिए ये धीरे धीरे पैन छोड़ने लगा है। अब क्या करेंगे, जब ये पैन छोड़ दे प्रॉपरली तो इसे जो है ग्रीस किए हुए प्लेट में निकाल लीजिए। तो प्लेट को जो है मैंने ग्रीस कर लिया था घी से। अब क्या करेंगे, इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे स्क्वायर शेप में, जैसे कि पैन केक जैसा होता है, पैन केक जैसा इवनली स्प्रेड करके और निशान लगाकर मैं इसमें कट लगा दूंगी। कट से जो है मैं पहले इसको 4 इक्वल पीसेस में डिवाइड करूंगी और फिर उसके बाद जो है और साइड से कट लगा के इसको ट्रायंगुलर सैंडविच वाला एक शेप दे दूंगी। इसको शेप दे लेने के बाद आपको क्या करना है, जब आप इस तरीके से काट लें तो वहाँ पे तवा गरम कर दीजिए, तवा को चढ़ा दीजिए और तवा को ग्रीस कर दीजिए घी से। और अब क्या करेंगे, इसको पीसेस में तो हमने कट कर लिया है, अब इसको जो है हम सेकेंगे तवे पे। सेकेंगे मतलब इससे अलट पलट करके इसे सेंक कर क्रिस्प कर लेंगे हम। तो देखिए तवे पे सारा फैला दीजिए, अलटते पलटते इसको दोनों साइड से जो है प्रॉपरली सिक जाए, क्रिस्पी हो जाए, तब तक आपको इसको पकाना है। दोनों साइड से क्रिस्प गोल्डन कलर आने तक जो है आपको अलटते पलटते इसे फ्राई करना है। फ्लेम यहाँ पे आपका रहेगा लो टू मीडियम फ्लेम पर जो है अलटते पलटते जो है इसको बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जैसे कि इसको सीखने में 5 मिनट का टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ओवरऑल जो है 20 से 25 मिनट से ज़्यादा इसमें लगने ही नहीं वाला। तो देखिए इस तरीके से जो है सेक लिया और निकाल लेंगे। बस इस तरीके से जो है सारे आप निकाल लीजिए और इसको सर्व करिए दही के साथ। दही में जो है मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिया, सेंधा नमक डाल दिया और मिंट से गार्निशिंग कर दिया, मिंट लीव से, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहे तो व्रत वाली चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, व्रत की पीनट चटनी हो उसके साथ भी अच्छा लगेगा, पर ये मैंने जो है दही के साथ सर्व कर दिया है और ये प्लेन भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। तो बस इस नवरात्रि आप भी ये रेसिपी ट्राई करिए और इसको बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करिएगा। हम फिर मिलेंगे मज़ेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।